हेलो और क्या बोलते हैं पब्लिक, स्वागत है आपका एक और बार मेरे चैनल पे जिसका नाम है जोकर की हवेली। आप जोकर की, आप बोलेंगे जोकर की हवेली है चैनल का नाम कैसा है, इसमें वीलॉग डालते हो आप। तो जोकर की हवेली लाइक यहाँ हवेली, यहाँ पर सब कुछ होता है। यहाँ म्यूज़िक कंपटीशन होते हैं, मतलब आप देखोगे मेरे चैनल पर बहुत कुछ होता है, गेमिंग वगैरह होती है, टूर्नामेंट चलते हैं और मैं वीलॉग बनाता हूँ। तो मैं मतलब ऑलराउंडर हूँ, बहुत चीज़ें करता हूँ यार। और कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा ही करना है, मोटिवेशनल किसी का स्पीच देना है, किसी में बोलना है, वो सब अपन बोलते हैं। तो अपने चैनल मतलब ऑलराउंडर जैसा है, सब कुछ करते हैं, मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं इन शॉर्ट। अपनी तारीफ कम करो और बाहर ज़्यादा देखो, देखो बाहर इतने अच्छे बादल हैं। तो फाइनली मतलब काफ़ी दिन, ये एक्चुअली मालदीव के बाद वाला वीलॉग है। और को सब कह रहे थे कि यार वीलॉग नहीं बना रहे हो, वीलॉग नहीं बना रहे हो, सिर्फ गेम खेल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो लॉकडाउन है, समझना चाहिए। अब लॉकडाउन में इंसान क्या करेगा, एयरपोर्ट सब बंद थे, कहीं ट्रैवलिंग हो नहीं रही थी, मोस्टली हर जगह पे क्वारंटाइन होना पड़ रहा था 14 दिन के लिए कहीं भी जा रहे थे। तो अब जो थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुला है, अलाउड कर रहे हैं कुछ कुछ कंट्री आने में, तो मैंने सोचा चलो यहाँ घूम लेते हैं। तो मैं जा रहा हूँ ब्रसल्स, बेल्जियम। हेलो ब्रसल्स, और फाइनली पहुंच चुके हैं बेल्जियम ब्रसल्स। यस, और क्लाउड कितना क्लियर है यहाँ पर, मतलब कोरोना की वजह से पोल्यूशन पूरे कम हो गए हैं। ओके, सो वे टू द होटल। अब आप सोचेंगे होटल कौन सा लिया है हमने, तो क्राउन प्लाजा लिया है। और मैं आपको बताऊंगा, कन्वीनियंट है, अच्छा है, रूम्स अच्छे हैं, अच्छा है, मतलब दो चार लोगों के लिए अच्छे हैं। तो मैं तो अकेला रहने वाला हूँ वहाँ पर। एयरपोर्ट के नज़दीक है और आसपास बहुत चीज़ें हैं एयरपोर्ट के पास, मतलब होटल के पास खाने पीने का, मैं आपको बताता हूँ। होटल पहुँचते हैं पहले। ओके, सो फाइनली वी रीच्ड अपने होटल जिसका नाम है क्राउन प्लाजा। क्राउन प्लाजा पहुँच चुके हैं, अंदर से मैं आपको बताता हूँ कैसा है, चलिए। Alright, तो what's up everyone? ये अपना होटल और हाइजीन है, काफ़ी सही है। और यहीं पर नहाना है, यहीं पर धोना है, यहीं पर सब कुछ करना है। इधर नहाएंगे, ठीक है, अंदर शावर लेंगे मस्त बढ़िया गरम गरम। अभी फ़्लाइट के बाद लेना पड़ता है, और आप भी ले लिया करो जब भी कोई भी फ़्लाइट से आओ कहीं भी। यहाँ पर टॉवल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, दो दो तीन तीन दिया हुआ है। यहाँ पर भी नहाई नहाई करेंगे ऐसा, मछली की तरह है, मछली की तरह है, मछली की तरह। ओके, चलो बाहर दिखा। तो ये रहा हमारा रूम, मस्त फर्स्ट क्लास बेड, मेरे लिए तो काफ़ी है यार, एकदम आ जाता हूँ मैं, 6 फीट का हूँ, पूरा अच्छे से आ जाऊँगा। और टीवी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, पानी वगैरह है, चेयर वगैरह है, मिनी बार वगैरह है, हम तो पीते नहीं, लेकिन उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब होती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार डिज़ाइन, घर पे भी ऐसा लगवाना है। ये आपका बाहर का विंडो से क्लीन कितना है यार, यहाँ पर देखो क्लाउड्स इतने क्लीन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और बाहर से तो और अच्छा होगा। क्या पहनूँ, क्या पहनूँ, क्या पहनूँ, क्या पहनूँ। सो वी आर रेडी, और कपड़े पहन लिए आज। वैसे मैं बता रहा हूँ कैजुअल कपड़े पहने, एकदम कूल, मतलब जैसे आप एक दो दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं ना, शॉर्ट ट्रैवल होता है, तो आप बोलते हो कौन सा कपड़ा लूँ, कौन सा कपड़ा लूँ। तो एक बेसिक हुडी पहनो, ठीक है, और ब्लैक हुडी। अगर आप नीचे डेनिम पहन रहे हो तो मेक श्योर आप जो है अपना वाइट जैसा कुछ, ब्लैक पे वाइट हो, एक कूल हुडी है, ठीक है। सामने से मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, आप ये देखो लग रहा है ना एकदम कूल। और इसको मैंने, वैसे तो मैं अगर मैं नीचे ज़्यादा बॉटम होता है तो उसको मैं फोल्ड करता हूँ, लेकिन इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ी ऊपर है ना, तो
अपने नी तक की पैंट है, नी तो नी फिट है तो इस तरह प्रॉब्लम नहीं, और ये एकदम क्लासिक मतलब कूल ठीक है। तो इतना कुछ काम जान, ये बाल थोड़े छोटे करवा लिए साइड से, जैसे सब शॉर्ट करा तो अपन मिलो रहे हीरो वीरो लगे तो भैया जो कर मैंने हीरो ठीक है। ये रहा हमारा आज का लुक, हुडी है, नॉर्मल है, नॉर्मल लुक है, देखो कितने बेहतरीन लुक है ठीक है। ज़्यादा झगमग करने की ज़रूरत नहीं, एक हुडी डाली, एक पैंट एकदम लोअर वाली डाली, इजी है ना, जैगिंस टाइप है, नी तक है, फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको मैं फोल्ड करूँगा तो मैं एकदम सच में नाम मेरा जोकर है और मैं जोकर ही लगूंगा क्योंकि बहुत ऊपर हो जाएगा ठीक है। नॉर्मल है, वाइट शूज़ पहना ठीक है। चलो लेट्स गो, बाहर आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो, रूम से निकलेंगे बाहर। और पहले की लेना हमेशा हमेशा ले लिया करो, हमेशा हमारी नज़र के हम डायरेक्ट जाते हैं और बंद कर देते हो, होटल वाले दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, होटल वाले दे देते हैं लेकिन उनको परेशान क्यों करते हो आप। लाइट तो अपने आप बंद हो जाएगी, तो इसको हम निकालते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे जाएंगे और बाहर अब की कुछ भी हो जाए। अरे मैं अपना वॉलेट, ये देखो अभी, इसलिए अब हमेशा की जो है कैरी करो ठीक है। जैसे मैंने अभी वॉलेट भूल गया हूँ तो अभी मेरे को नीचे जाना पड़ता, होटल वाले से वो लेना पड़ता अपना की, लो बार बार दो बार ऊपर नीचे जॉगिंग हो जाती, लेकिन यार टाइम वेस्ट होता है ना, अभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अब लाइट भी बंद हो गई क्योंकि मैंने की निकाल दिया है, और जो है मैं वॉलेट ले लेता हूँ ठीक है, कुछ खाऊंगा यार भूख। चलो होटल भी देख लेते नीचे से जाके। ओके ये रहा आपका क्राउन प्लाजा। ऑलराइट तो हम लोग आ गए, ये हमारा होटल जो क्राउन प्लाजा है उसका लॉबी है। ये मुझे बहुत पसंद है, ये भी घर पे लगाना मुझे यार, कालीन जैसे होता है ना ये रग मैट ठीक है। अपन दबाएंगे नीचे, नो स्मोकिंग है तो ये होटल में मतलब ऐसा है कि स्मोकिंग एरिया भी नहीं है यहाँ पर, और नीचे है एटलीस्ट मैं आपको बता दूंगा, नीचे भी स्मोकिंग एरिया जो स्मोक करते हैं, और यहाँ पर फिटनेस रूम भी है जो मैं बताता था, फिटनेस ऑन ग्राउंड फ्लोर ठीक है। नीचे चलते हैं, ये आपका पूरा होटल ऐसा दिखता है, बहुत प्यारा खूबसूरत होटल है। और थोड़ा बता देता हूँ आपको, होटल घुमा देता हूँ चलो ठीक है, क्विक घुमाएंगे। हेलो टेडी बेयर। तो यहाँ पर बार वगैरह भी है आपके सामने, तो यहाँ से हम आपको बताएंगे रिजॉर्ट, तो वी गॉट रिजॉर्ट ओवर देयर, तो आप लोग खाना भी नीचे बैठ के जो है खा सकते हो। देखो सब खा रहे हैं नीचे। अरे डोनाल्ड डक भी यहाँ पर, मुझे आती नहीं इसकी आवाज़, लेकिन मेरा फ्रेंड बहुत अच्छी से आवाज़ निकालता है इसकी। तो ये रहा हमारा रिजॉर्ट है, नीचे आके आप वहाँ पर बैठ सकते हो, गार्डन वगैरह में घूम सकते हो, बहुत ही प्यारा खूबसूरत ब्यूटीफुल होटल है ना क्राउन प्लाजा। ये मतलब आप ब्रसल्स आओगे, बेल्जियम ब्रसल्स एयरपोर्ट आएंगे ठीक है, वहाँ से आपको नियर बाय मतलब दो मिनट का भी नहीं है, पांच मिनट समझ लो मैक्स ज्यादा। ये ग्रीन एप्पल मुझे दे दे ठाकुर। ग्रीन एप्पल भाव जी, शाहरुख खान भी ग्रीन एप्पल खाता है सुबह सुबह, अब पता नहीं भाई वो क्या खाते हैं लेकिन बड़े तंदुरुस्त हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मतलब यहाँ के बादल देखो यार, कमाल के गजब के बादल है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन कम हो गया है, कोरोना वायरस चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर मतलब ऐसा है कि मास्क जो है मैंडेटरी नहीं है, मतलब आप मास्क नहीं भी पहनोगे तो भी। ये रहा हमारा क्राउन प्लाजा का पूरा होटल, ये बता दिया आपको मैंने, इसका टूर करवा दिया। चलो अब जाएंगे हम बाहर का टूर करने, लेट्स गो दिस वे। तो अभी अपन नीचे उतर गए और देखते हैं यहाँ पर क्या है, मतलब अभी कोई है नहीं ऐसे इतनी, यहाँ पर मैं इससे पहले भी लास्ट ईयर आया था तो यहाँ पर इतना चहल पहल नहीं होता हमेशा जिस जगह हम रह रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट का एरिया यहाँ पर, सिटी जाने के लिए एक मेट्रो को लेनी पड़ती है, ज़्यादा दूर नहीं है ये क्राउन प्लाजा के, मतलब अगर मैं 10 मिनट वॉक पे जाऊँगा तो बाय वॉकिंग है, शटल भी है तो आप मेट्रो के लिए शटल ले सकते हो, और वहाँ पर दो स्टेशन आपको उतरने हैं सिटी सेंटर के लिए, तो आप मेट्रो का सिटी सेंटर का टिकट कटवाएं और इजीली आप जा सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं कल जाऊंगा तो वो भी वीडियो आगे आ जाएगा आपको ठीक है, कल तो आपको बताऊंगा वहाँ की मेट्रो कैसी होती है ना, तो वहाँ पर सिटी में आपको घुमाऊंगा। और यहाँ पर कोई मास्क वगैरह पहनना नहीं है, तो कोरोना वायरस क्योंकि यहाँ पर कुछ इतना इफेक्टिव नहीं है और यहाँ पर कोई केसेस मिले भी नहीं है, सो आई एम लकी, लेट्स गो। मैं सामने बता देता हूँ वरना बोलूंगे क्या जोकर भाई अपना चेहरा दिखा रहे हैं, ए सलाम राम जाने, चलो बाहर आगे दिखा दे। ब्रुसेल्स बोलते हैं, ब्रसेल्स बोलते हैं, ब्रसेल्स बोलते हैं, अरे हमने गूगल को पूछा क्या बोलते हैं तो गूगल ने हमको करारा जवाब दिया, बोले ब्रसेल्स बोलते हैं अनपढ़, तो ब्रसेल्स बोलते हैं इसको। ये है ठीक है, यहाँ पर आप गूगल सबसे पहले देखो जेवेंटन, ये है अच्छा टन पढ़ा मैंने, जेवेंटम सेंट्रम ठीक है, आप सेंट्रम बोलो, सेंट्रम एक कैल्शियम की गोली भी आती है
वो भी अच्छी होती है, वो भी खाना चाहिए। तो सेवन टेम अपन यहाँ से जाएंगे, तो एरो वगैरह दिया हुआ है, आप गूगल कर सकते हो, गूगल मैप ऑफलाइन डाउनलोड भी होता है गूगल। तो सेवन टेम करोगे तो ये आपको प्रॉपर वे बताएगा इस तरफ जाना है। सेवन टेम मतलब वही है कि एक एरिया है और वहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है। देखो क्राउन प्लाजा से मैं देखो, वो रहा क्राउन प्लाजा हमारा, ठीक है, होटल। और वहाँ से मैं सीधा नीचे आया इस तरफ, और यहाँ से हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से दो स्टेशन लेके आप जा सकते हो इजीली, मतलब इजीली सिटी तक जा सकते हो। मास्क यहाँ पर फेंका हुआ है किसी ने, OMG, ध्यान से देखिए इस मास्क को। ये मास्क की कीमत तुम क्या जानो यूरोप वालों, बहुत कीमत है इसकी। कलर कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, तो आप गोल्डन पहन सकते हो, एज अ फैशन ब्लॉगर आप ये सब यूज़ कर सकते हो। बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें होती है जो दिख के आती है। अब कभी कभार क्या होता है, लोग ब्लैक शूज़ पहनते हैं और ऊपर ब्राउन बेल्ट पहनते हैं, जो बहुत गंदा दिखता है। तो मेक श्योर वेन एवर यू आर वेयरिंग लाइक ब्लैक शूज़, ब्लैक बेल्ट पहनो, ब्राउन शूज़ पहने हो तो ब्राउन बेल्ट पहनो, ब्राउन पे ब्लैक, ब्लैक पे ब्राउन अच्छा नहीं लगता है। हाँ, वाइट शूज़ पे आप ब्राउन बेल्ट, अभी मेरे को बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो बेल्ट एकदम अच्छी फिटेड पैंट है, तो नो यूज़, एकदम ढीला ढाला है, मस्त है। ये देखो ढीला ढाला, ढीला ढाला। चलो अब मैं जाता हूँ आगे। ये तो हमारी वो है अभी वे टू द स्टेशन है। यहाँ के नॉर्मल घर जो है ना, अपार्टमेंट्स कैसे हैं, बंगलो कैसे हैं, वो बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल है ना। ये रहे आपके ब्रिक्स लगे हुए हैं वैसा, पेंटेड वगैरह अंदर, बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। ओ भाई, मेरे को लगा मैनिक्विन खड़ा हुआ है, तो कुछ डर गया ना तेरे को देख के। मोस्टली यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स है या बंगलो है, ये सब ब्रिक्स के बने हुए हैं, ब्रिक पेंट, मतलब जैसे विंटेज बोलते हैं ना वैसा। ये मुझे बहुत पसंद है। अब गांव में होते हैं ऐसे घर तो हम बोलते हैं अरे यार इसमें तो पेंट भी नहीं चढ़ा हुआ है, प्लास्टर नहीं चढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर फैशन के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यार। यहाँ का आर्किटेक्ट मतलब वैसा ही है कि ब्रिक्स वाला है, ओल्ड विंटेज टाइप का सारे बंगलोस है ना। ये था ब्यूटीफुल बेल्जियम ब्रुसेल्स अपना। अब अपन आगे लेके जाएंगे तुमको, खाने को क्या मिलता है चलो खाने का देखते हैं। ओके, सो मैं आ गया, बहुत मतलब है, थोड़ा सा है, मतलब 10 मिनट वॉक करना है। अच्छा है, आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि हम क्या है घर पे बैठे 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 टैक्सी लो ये लो, तो टैक्सी के पैसे इतना वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मौसम अच्छा होता है ना, फ्रेश एयर होती है, मिलती है आपको। तो यहाँ पर जो है अपन पैदल पैदल आ गए, थोड़ा 10 मिनट मैक्स, 10 मिनट मतलब 5 से 7 मिनट ही लगे, थोड़ा फास्ट चलता तो, और मतलब मैं रुक रुक के व्लॉग बनाने के लिए, इसलिए मुझे 10 मिनट लग गए। तो यहाँ पर आपको सामने दिखा देता हूँ यहाँ पर खाने वाने का कहाँ पर है। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ना बाहर, तो अभी जैसे फोर वेज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं चार रास्ता इन हिंदी देसी लैंग्वेज में, तो वहाँ पर जो है खाने का मुझे दिख रहा है। देखो वहाँ पर शेफ जो है घंटियाँ हिला रहा है, और ये मैं बता रहा था। अब देखो यहाँ से हम क्राउन प्लाजा से सीधा आए, इधर आए, लेफ्ट जाके वो सामने दिख रहा है, वहाँ आपको मिलेगा कुछ खाने का, ठीक है। वहाँ पर है, मैं आ चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो वहाँ पर खाने का है। और यहाँ से अगर आप राइट लेते हो, यूँ मुड़ते हो इस तरफ, तो यहाँ से आपको मिलेगा स्टेशन, आएगा मेट्रो स्टेशन, वहाँ से आप सिटी जा सकते हो। बहुत ईजी है यार, है ना, एकदम ईजी बता दिया है। और एक पानी की बॉटल हमेशा कैरी करना, छोटी मैं भूल गया हूँ, जो आपको प्यास लगे तो आप पी सकते हो, क्योंकि वॉक करते हो ना तो थोड़ा जो है आपका थ्रॉट जो है वो ड्राई होने लगता है ना, लिप्स ड्राई होने लगते हैं, क्योंकि ठंडी वेदर अच्छा होता है यहाँ का, तो सूखने लगता है गला वगैरह, तो आप ठंडे पानी का बॉटल ले लो। और आगे आप देखोगे वहाँ पर भी फूड वगैरह सब लिखा हुआ है, देख रहे हो, तो इंडियन भी है वहाँ पर, और बिरयानी वगैरह सब मिलती है, और अच्छी अच्छी जगह है, ठीक है। तो ये था हमारा क्राउन प्लाजा से, और वहाँ आगे जो क्राउन प्लाजा है ना, वहाँ पर एक शेरटन भी है, तो वो दोनों होटल आप ले सकते हो, कोई भी एक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर अपना ये थाई रेस्टोरेंट है, हम जो खाएंगे वो आपको बताते हैं हम क्या खाने वाले। चलो खाने भी मिलते हैं डायरेक्ट वहाँ पर, थोड़ा ग्रोसरी शॉप है जहाँ आपको छोटे मोटे सोडा वगैरह, पेप्सी वगैरह, समझ रहे हो ना, वो सब मिल जाता है। अब ये इसकी बात कर रहा था, जूम कर लेते हैं थोड़ा, ये स्नैक एक्सप्रेस तो यहाँ है, ये मेरे को हमेशा अच्छा लगता है। चुके हैं और देख सकते हो कैसा फ्रेश सैलड है यहाँ पर, और चिकन वगैरह भी है, शोरमा टाइप का वहाँ पर कबाब है वगैरह, चिकन का है, सबका है, वेजिटेरियन भी है यहाँ पर, 5 यूरो 10 यूरो सब हो जाता है, ठीक है। यहाँ यहाँ बैठ के खाना है,
और बाहर भी हो, यहाँ पर लोगों ने कोरोना वायरस में मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ है क्योंकि यहाँ पर इतना वो नहीं थी फॉर माई फूड, तो वो लोग ने बोला कि आप यहाँ पर बैठो और हम आपको खाना ला के देंगे, तो अच्छी बात है, मतलब खुद ही सर्व करते हैं वहाँ पर, हमें खाली ऑर्डर देना और यहाँ पर आके बैठ जाना है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर लोगों ने मास्क वगैरह ज़रा भी नहीं पहना है क्योंकि यहाँ पर जो है इतने केसेस नहीं है और कोई यहाँ पर फ्री है, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, जैसे इंडिया में है आपको पहनना है। बहुत भूख लगी, अब देखते खाना कैसा है ना, मज़ेदार होना चाहिए, अब इतना चल के आया हूँ मैं 10 मिनट, तो यहाँ पर खाना तो अच्छा होना चाहिए। वैसे खाना बहुत अच्छा है इसका जो है, मैं खा रखा है इससे पहले मैं आया था यहाँ पर, जैसे बताया बहुत अच्छा है, फ्रेश है, मगर चिकन वगैरह बहुत अच्छा होता है। वेजिटेरियन हो आप तो वेजिटेरियन पास्ता वगैरह भी मिलता है, पिज़्ज़ा वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पर। और थोड़ा यूरोप है तो जैसे पता है 1 यूरो 45 रुपीज़ होता है इंडिया का, तो थोड़ा सा महंगा मतलब एक्सपेंसिव है, लेकिन खाना है भाई, भोजन करना ज़रूरी है भाई, पेट का सवाल है, तो खर्चा वर्चा कपड़े पे करते हो, शॉपिंग के करते हो, खाने के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि जहाँ जिस कंट्री आओगे उस कंट्री के हिसाब से मतलब आपको थोड़ा लगता है। ओके, और करेंसी, हाँ यूरो चलते हैं, यूरोस जो है 1 यूरो इंडिया का 45 रुपीज़ होता है, कैलकुलेट आप कर सकते हो, हो सकता है बढ़ गया हो, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन यूरोस चलते हैं यहाँ पर। और डेबिट कार्ड वगैरह चल जाता है, इतना कोई वो नहीं है, और एटीएम वगैरह आप निकाल सकते हो इजीली अगर आपने एयरपोर्ट से एक्सचेंज नहीं करवाया हो तो। मेरा तो बोलना है कि आप करवा के लाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेट थोड़े वैसे हो जाते हैं, लेकिन आप एयरपोर्ट से करवाओगे तो आपके लिए मतलब यूज़ आ सकते हैं, मतलब अच्छा खासा निकालो यूरोस अगर आप यूरोप में आ रहे हो तो, मतलब एक दिन के लिए तो आओगे ना। आ चुका है ये सब, मतलब वो आपने सुना तोफू होता है, तोफू है, चिकन है, फ्राइज़ है, सैलड वगैरह, सॉस वगैरह, स्पाइसी सॉस है, तो ये खाना है। 15 यूरो है, थोड़ा महंगा है, लेकिन भाई मैं खाने पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, कितना भी महंगा हो भाई, क्योंकि मुझे खाना खाऊंगा तो ही व्लॉग बना पाऊंगा, तो ही घूम पाऊंगा, है ना। ऑलिव वगैरह, हेल्दी वगैरह, चीज़ वगैरह, फेटा चीज़ वगैरह तला हुआ है, बहुत ही मस्त है माशाल्लाह। अभी खाते हैं, खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, तो खाने के बाद मिलता हूँ मैं, ठीक है। अरे मज़ा आ गया भाई, अब क्या है, अब एनर्जी आ सकती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नींद जैसी भी आ रही, क्योंकि फ्राइज ज़्यादा थे उसमें तेल वाले, तो यार थोड़ा नींद जैसा आ रहा है, तो थोड़ा आराम करते हैं। ऐसे धूप तो है, हमारे पास पूरा टाइम है, थोड़ा एक घंटे बाद सिटी जाएंगे, कपड़े वपड़े चेंज करके और आपको बताएंगे सिटी, ठीक है। खाना बहुत अच्छा था यार, एज यू सी मतलब कितनी खूबसूरती है यार, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, मतलब मैं तो यहाँ पर बस यही लेटना चाहता हूँ, बस यहाँ लेट जाऊँ बस, यहाँ पर सब मतलब नेचर देखो आप कितना, मतलब इन लोग ख्याल क्लीन रखते हैं यार, नीचे एक भी कचरा नहीं है यार, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ओए होए बस मज़ा आ गया भाई, ये चीज़ देख के ना बहुत मज़ा आ गया, इतना क्लीनिनेस और सब कुछ है यहाँ पर। मैं आपको जोकर भैया डायरेक्ट मिलेंगे मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ का एरिया आपको मैंने सब दिखा दिया जैसे, तो आप अपन मेट्रो से दिखाएंगे आपको सिटी का, ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं। जिम वगैरह सब दिया हुआ, जैसे बड़े होटल में तो मोस्टली होता है, तो यहाँ पर भी मतलब सामान है ना, पुलअप वगैरह का, जो जो मतलब आपकी बॉडी बन सकती है, मतलब फिट के लिए एक दिन के लिए काफ़ी है, डंबल्स वगैरह दिए हुए हैं। Oh, oh, oh.